उस समय अमृत मंथन का कार्य होने पर देवताओं की शरण में गए और देवताओं ने कहा था कि नागराज वासुकी हैं, ये अपनी जात बिरादरी को बचाना चाहते हैं। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा था इनकी बहन जरत्कारु, उसका विवाह महर्षि जरत्कारु के साथ होगा, आस्तिक मुनि प्रकट होंगे और वे आस्तिक मुनि सर्पों को भय से छुड़ाएंगे। अब वह समय आ गया, तुम चले जाओ। अहम त्वा मोक्षिष्यामि वासुके पन्नगोत्तम तस्मात् छापान महासत्तो सत्यमेतद् ब्रवीमिते। अब तो महाराज वासुकी नाग ने अपने भांजे आस्तिक से कहा, भांजे राजा हमें चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, हमारा पूरा परिवार जल गया, अब कब तक आप ऐसा करोगे, आओ जल्दी जाओ और बचे खुचे अपने मामा के खानदान को उस भयंकर यज्ञ से रक्षा करो। अब तो आस्तिक ने कहा कि मामा जी आप चिंता मत करो, न संतापस्त्वया कार्या कथंचित पन्न गोत्तम प्रदीप्ताग्ने समुत्पन्नम नाशिष्यामि ते भयम्। मैं तुम्हारे संपूर्ण भय को दूर कर दूंगा, तुम अपने मन में तनिक भी चिंता मत करो। ऐसा कह करके महर्षि आस्तिक यज्ञशाला में पहुँचे और आस्तिक यज्ञशाला में पहुँच करके उन्होंने स्तुति करना आरंभ किया। बहुत ध्यान से सुने, एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊं, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊं। बात बनाना आ जाए तो राजा प्रसन्न हो जाएगा, हाथी दे देगा, और बात बिगड़ जाए, बात बनाना ना आवे तो जो राजा प्रसन्न होकर हाथी देता है वही हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देगा, कुचलवा दो इसको, ये ठीक से नहीं बोलता। हमारे ब्रजमंडल में एक महान सिद्ध संत थे वृंदावन में, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जो भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। हमने अनेकों बार उनका दर्शन किया, हमारे परमहंसी उनके अनन्य साधक रहे हैं। वो कहते थे कि जिसको बात बनाना आ जाता है उस पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, उसको भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती, बात बनाना आ जाए। आप लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बात बनाना तो तब तमाम लोग जानते, झूठ मूठ कुछ का कुछ बना देते हैं, वो बात बनाना नहीं है। प्रहलाद जी की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति क्या है, बात बनाना ही तो है, बात को अच्छे ढंग से करना ही स्तुति है। स्तुति करना आ जाए प्रार्थना, बात बनाना क्या है। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी अच्छाई को बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करना हमें आ जाए, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान के प्रभाव, स्वभाव, गुण, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी क्षमा, उनका वर्णन करना जिसे आ जाए, मान लो उसे बात बनाना आ गया, ये कथा कहना क्या, ये भी बात बनाना है, बढ़िया से प्रस्तुत कर दो विषय को, तो बात बनाना आ गया। बात बनाना आ जाएगा तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे, पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे। तो आस्तिक ने जाकर सीधे वहाँ नहीं कहा कहे बंद करो यज्ञ, मैं नागों का भांजा हूँ, अपने मामा के वंश को जलते हुए नहीं देख सकता, ये नहीं कहा। जाकर उन्होंने पहले यज्ञशाला में प्रवेश की अनुमति मांगी और बाहर खड़े खड़े ही उन्होंने यज्ञशाला में स्तुति करना आरंभ किया। आस्तिक उवाच, सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य पारीक्षितस्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः।
आस्तिक महर्षि ने कहा, हे भरतवंशियों में शिरमौर जन्मेजय, हे परीक्षित नंदन जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था, तीर्थराज प्रयाग में श्री ब्रह्मा जी ने जैसा यज्ञ किया था, वैसा ही यज्ञ आपका हो रहा है, उत्तम गुणों से युक्त यज्ञ हो रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। अपारीक्षित स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः, हमारे अस्माकम नः प्रियेभ्यः स्वस्ति स्वस्त्यस्तु, हमारे जो प्रिय परिजन हैं उनका कल्याण हो। ये कहा और कहा कि हे भरत कुल के शिरोमणि, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई है, महाराज पुरु आपके पूर्वज थे, उनके यज्ञों की संख्या भी 100, लेकिन तुम्हारा यज्ञ उन सब यज्ञों से श्रेष्ठ शोभा पा रहा है। सब उन सब इंद्र और पुरु उनके यज्ञों के समान तुम्हारा यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। हे जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ, रंतदेव का यज्ञ जैसा श्रेष्ठ था, वैसा यज्ञ यह तुम्हारा श्रेष्ठ है। परीक्षित स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः, हे परीक्षित हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जैसे गय का यज्ञ हुआ, जैसे शशबिंदु का यज्ञ हुआ, जैसे राजाधिराज कुबेर का यज्ञ हुआ, ऐसा ही यह तुम्हारा यज्ञ है। तुम्हारे हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। ऐसे कई श्लोक हैं तमाम यज्ञकर्ताओं का स्मरण करके, और कहा उन सबके जैसा तुम्हारा यज्ञ हो रहा है। अंत में यहां तक कह दिया कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं है जो प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन प्रसन्न रहता है। तुम वरुण और धर्मराज और यम के समान प्रभावशाली हो। अब तो महाराज वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा इस बात को सुनकर के सदस्य ऋत्विग अग्निदेव सभी लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने निंदा नहीं की, सबकी प्रशंसा की। महर्षि आस्तिक ने सब प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न होकर के राजर्षि जन्मेजय ने कहा कि हे ब्राह्मणो, यह अवस्था में देखने में बालक है, लेकिन बातें वृद्धों के जैसी करता है। मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ, और यह ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध नहीं हुआ तो क्या हुआ, यह ज्ञान वृद्ध है, ज्ञानियों में यह श्रेष्ठ है। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह से अपना अपना विचार प्रकट करें। सदस्यों ने कहा, बालोपि विप्रो मान्य एवेह राज्ञाम, विद्वान यो वै स पुनर्वै यथावत, सर्वान् कामास्त्वत्त एवार्हतेद्य यथा च नस्तक्षक एति शीघ्रम। हे राजन, बड़े बड़े राजाओं को भी ब्राह्मण भले ही बालक ही क्यों ना हो, फिर भी राजाओं का धर्म है ब्राह्मण का सत्कार करना। फिर वह ब्राह्मण बालक हो और बालक होने पर भी विद्वान हो, तब तो कहना ही क्या है। ब्राह्मणों में जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, क्षत्रियों में जो बल में श्रेष्ठ होता उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, वैश्यों में जो धन में अधिक होता उसी को श्रेष्ठ माना जाता है, और शूद्रों में जो आयु में अधिक होता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्राह्मणों में आयु की श्रेष्ठता नहीं है, ब्राह्मणों में ज्ञान की श्रेष्ठता है, इसलिए ये ज्ञानी होने के कारण तुम्हारे आदर का पात्र है। सब ने समर्थन किया। तब जन्मेजय ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे विप्रवर, तुम मुंह मांगा बर मांग लो। सौतिरुवाच, व्याहर्तु कामे वरदे नृपे द्विजं, वरं वृणीष्वेति ततोऽभ्युवाच,
होता वाक्यम नाति हृष्टांतरात्मा कर्मण्यस्मिस्तक्षको नैति तावत्। यह सुनकर के जन्मेजय क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा, इंद्रस्य भवने विप्रा यदि नागस्य तक्षकः तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ। यदि इंद्र ने अभयदान दिया है तो इंद्रासन के सहित, इंद्र के सहित तक्षक नाग के को भस्म करने का आप लोग मंत्रोच्चारण कीजिए, आहुति दीजिए। जैसे ही महाराज ऋत्विजों ने निश्चय किया, उसी समय इंद्र के सहित, इंद्रासन के सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई पड़ने लग गया। और महाराज उस समय नाग बेचारा अब क्या करता, उस यज्ञ को देखते ही इंद्र भयभीत हो गए और तक्षक नाग को आकाश में ही छोड़कर अंतर्धान हो गए। समझ में आई? यह है देवताओं का अभयदान। इसलिए अभयदान भगवान ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान को छोड़कर शरण में जाने योग्य कोई नहीं है। उस अग्नि कुंड को इंद्र ने देखा तो भाग गए वो, बोले ठीक है तुम मरो जलो, अब हमारी जहाँ तक ताकत थी वहाँ तक हमने सहायता कर दी। अब तक्षक नीचे मुंह ऊपर पूछ करके भय से कांप रहा था। और महाराज हित्वा तु तक्षकम त्रस्ता स्वमेव भवनम ययौ। इसमें ऋत्विज ने कहा, महाराज यह यज्ञ कर्म विद्वत संपन्न हो रहा क्योंकि तक्षक आ गया है, अब इस बीच में तुम इस ब्राह्मण को मनोरथ पूर्ति का वरदान दे सकते हो। अब तो महाराज जन्मेजय ने कहा कि ठीक है हे ब्राह्मण कुमार, तुम जो चाहते हो मैं वह तुम्हें अवश्य दे दूंगा। आस्तिक ने कहा, बरम ददासि चेन मह्यम वृणोमि जन्मेजय सत्रम ते बिरमत्वे तन्न पते युरि होरगा। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आपका यज्ञ इसी समय समाप्त हो जाए, अब बचे कुचा कोई भी सर्प अग्नि में आकर के न जले, आपका यज्ञ यहीं बंद हो जाए। ऐसा कहते ही जन्मेजय खिन्न हो गए और उन्होंने कहा एवमस्तु, कमजोर स्वर में कह दिया एवमस्तु, क्योंकि मुख्य शत्रु तो बच ही गया। और इस तरह से देखिए इसका तात्पर्य महाराज जी ये है कि जिन नागों को उनकी माता कद्रु का श्राप लगा था वे नाग नहीं जले, जिन्होंने अपनी माता की अधर्म पूर्ण आज्ञा नहीं मानी, श्राप उनको मिला लेकिन तमाम लोग जल गए। जिन्होंने पाप का समर्थन किया वे जल गए, जिन्होंने पाप का समर्थन नहीं किया वे फिर भी बच गए। श्राप लगे रहने के बाद भी बहुत से नाग जल गए, बहुत से बच गए। अब तो जन्मेजय ने कहा कि आप सोना चांदी गऊ जो चाहते हो वह मांग लो, किंतु मेरे यज्ञ को बंद मत करो। आस्तिक ने कहा, राजन ये सोना चांदी गऊए नहीं मांगूंगा, मेरी तो एक ही इच्छा है ये यज्ञ बंद हो जाए जिससे मेरे माता के कुल का कल्याण हो जाए। अब तो आस्तिक के ऐसा कहने पर उन्होंने फिर अनुरोध किया, ब्राह्मण देवता मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोई दूसरा वर मांग लीजिए। किंतु आस्तिक ने कहा दूसरा वर हमें चाहिए ही नहीं। अब तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, यदि या तो आप ब्राह्मण को कहते नहीं वर देने की बात, और यदि आपने वर देने की बात कह दी है तो आपको सत्य की रक्षा करनी चाहिए, आपको वर देना ही चाहिए। सब ब्राह्मणों ने कह दिया तो महाराज जन्मेजय ने कहा ठीक है, अब हम सर्प यज्ञ को यहीं बंद कर देते हैं। इस सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नामों का भी यहाँ वर्णन किया गया है और कहा इतने सर्प हैं कि हजारों सैकड़ों वर्षों तक नाम लिए जाएं तो पूरे नहीं हो सकते। प्रधान प्रधान उनकी जातियाँ, कोटिस मानस पूर्ण शल पल हलीमक पिच्छल कौणप चक्र कालवेग प्रकालन ऋणबाहु शरण कक्षक कालदंतक आदि आदि बहुत से नाम लिए गए हैं। ये सब सर्प नष्ट हो गए हैं, यज्ञ की समाप्ति हो गई और
तक्षक भय से मुक्त हो गया। और इधर श्री इंद्र के हाथ से छूटने पर तक्षक भय से थर्रा उठा था, गिरना ही चाहता था। उस समय आस्तिक ने कहा, आस्तिक आस्तिक ने कहा, ठहर जा ठहर जा। आस्तिकस्तिष्ठतिष्ठेति वाचस्तृष्युदैरेन, तीन बार कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा। इतना कहते ही वो तक्षक आकाश में ही स्थित हो गया और इसके बाद वह वहाँ से चला गया। आस्तिक कहते इस यज्ञ कर्म समाप्त तो हो गया, और इस यज्ञ कर्म के समाप्त तो होने पर जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय ने कहा ठीक है, जो होना था सो हो गया और जो बचने थे सो बच गए, कोई बात नहीं है। लोग यह तो नहीं कहेंगे कि जन्मेजय अपने पिता के भक्त नहीं थे, पिता की मृत्यु का बदला नहीं लिया। क्षत्रिय प्रतिशोध रखता है तो हमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, ठीक हुआ, जो हुआ सो ठीक हुआ, ऐसा कहकर उन्होंने अपने मन में संतोष किया और सबको धन का दान दिया।